ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका। स्वागत है आपका प्राइम न्यूज 24 में। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां जगदलपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में पिछले कुछ दिनों से होम आइसोलेशन में रहने वाली एक महिला की बीती रात मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मृतिका शबीना बानो, उम्र 40 वर्ष, जिसका बेटा बीते दिनों अजमेर से रायपुर होते हुए वापस जगदलपुर पहुंचा था। युवक की वापसी की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने पूरे परिवार को होम आइसोलेट कर दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतिका शबीना बानो की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी। मृतिका को कफ की शिकायत के बाद बीते माह मेकॉज में भर्ती कराया गया था। महिला की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की सूचना के बाद पुलिस ने पूरे वार्ड को सील कर दिया है। इस वार्ड में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने इस वार्ड में रहने वाले सभी लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की समझाइश दी है। इसके साथ ही प्रशासन मृतिका की मौत का कारण जानने में जुट गया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए राधा ताम्रकर की रिपोर्ट। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड के हैं, जहां जो है एक व्यक्ति बाहर के भ्रमण के पश्चात आने पर जो है उसे जो है कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जो है होम आइसोलेट किया गया था। और इसी में से जो है बीती रात जो है इनकी माताजी का जो है निधन हो गया था। और प्रिकॉशनरी तौर पर जो है रात में ही जो है ना इनके परिवार में टोटल 3 लोग हैं, माँ और पुत्र पुत्री, तीनों का जो है सैंपलिंग करा लिया गया है। और सैंपलिंग के पश्चात जो है टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया है। अभी तक जो है इस मामले पर जो है रिपोर्ट नहीं आ पाई है। और एहतियातन तौर पर जो है पूरे तरीके से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड है वहाँ पर 1 दर्जन से अधिक जवानों को जो है तैनात किया गया है। पूरे वार्ड को जो है आइसोलेट किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो है वार्ड में प्रवेश करने पर और बाहर निकलने पर जो है निगाह रखी जा रही है और सारे प्रिकॉशनरी एक्शंस पर जो है ध्यान दिया जा रहा है।